इसके बाद मैं ह्यूमन राइट्स नेटवर्क कराची के सदर जनाब इंतखाब आलम सूरी साहब से दरख्वास्त हक और उसकी अपने खुद राधी और हर वो चीज जो जो एक इंसान को पैदा किया उसका वो नाम है। जब अल्लाह ताला ने इंसानों को का ऐलान किया कि इंसान बनाया रहा है दुनिया में भेजा जा रहा है, फरिश्तों ने कहा कि ये लड़ेंगे आपस में, खून खराबा करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह को यह भी पता था, यानी उन फरिश्तों ने भी बिलाशुबा सही अंदेशा जाहिर किया, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि तामीर किस तरह है और तकरीब किस तरह है और हर तकरीब के पीछे तामीर किस तरह है। इंसानी बिगाड़ भी होगा, इंसानी बनाव भी होगा, इंसान फसाद में मुबतला भी होगा और उसको उसके अलमबरदार बेहतर करने वाले भी पैदा करेगा। इंसान इंसानों में से पैदा होंगे। आज इसी की जंग शुरू से आखिर तक चली आ रही है। वकुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ वतनहूना अनिल मुनकर। एक तरफ उम्मत को खड़ा किया किसी काम के लिए, बल्कि आप वो वक्त याद करें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उससे पहले जो जंगें हुआ करती थी वो हक तलफी तो थी, एक दूसरे के मार कुटाई तो थी, और उसके बाद वही तो कहा गया कि वस्कुरु निमतल्लाहि अलैकुम इस्कुंतुम आदान फअल्लाह फबैन कुलूबिकुम फअस्बातुम बिनिमतिही इख्वाना वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार फअन्क़ज़कुम मिन्हा। कि जब तुम एक बड़े हुए गढ़े के किनारे खड़े थे और तुम्हें बचा लिया। ये वह हक तलफी का जमाना वो उस वक्त से और शुरू से चला आ रहा है। फिर जंग अजीम हुई, जंग अजीम अव्वल करोड़ों लोग मारे गए, जंग अजीम दोम करोड़ों लोग मारे गए, वो फ्रांस और जर्मन और फिर जर्मन की ज्यादतियां और फिर फ्रांस के अंदर वो इंतकामी कार्रवाइयां, वो सब क्या थी? वो खुफिया माहदे जो कि जंग अजीम का सबब बने। 1914 और 1918 तक जंगें लड़ी गई और अरबों और डॉलर का नुकसान हुआ और करोड़ों इंसान लुकमे अजल बन गए। फिर इंसान जागा, एहसास हुआ कि हम क्यों लड़ रहे थे, क्यों आपस में हम जो है एक नहीं हुए। फिर वो एक हुए, फिर 1948 में चार्टर तैयार किया गया, इंसानी हकूक का चार्टर तैयार किया गया, अपने लिहाज से उन्होंने बनाया और अपने लिहाज से उसको अप्लाई किया। और फिर उसके बाद जब इंसान नुकसान उठा चुका होता है, कत्ल गारत हो चुकी होती है, लोग मर चुके होते हैं, अमला का नुकसान हो चुका है, तो इंसान जागता है, फिर उसका एहसास होता है। बात वहीं से शुरू होती है कि हक तलफी। और इस्लाम भी अगर अलग बता रहे तो हक का है, इंसाफ का है। इस्लाम का दूसरा नाम ही इंसाफ, इंसाफ है इस्लाम का। और यही बात चाहे अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर में कही गई हो, चाहे पाकिस्तान के आइन में कही गई हो, वो तमाम चीज़ें वही हक से शुरू होती है और नाहक पे ख़त्म होती हैं। और आज भी पाकिस्तान जो हमने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आज बात की है, बिलाशुबा वो हमें छोटी छोटी चीज़ें, अभी अमानुल्लाह बलोच ने बहुत तफसील से बातें बताई है, मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि सिराज भाई और आपके दरमियान हायल हूँ, लेकिन वो चीज़ें सुनकर देखकर पढ़कर दिल दुखता है, अफसोस होता है। बट वाई वट वी शुड डू ये सोचना चाहिए कि हम उसके लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं। हम ये सब चीज़ देख तो रहे हैं लेकिन हमने क्या उसके लिए किरदार अदा किया, हमने उसके लिए अपनी क्या तवानाई लगाई। आप आज पूरी दुनिया में अगर इंसानों के अंदर तखरीबी पैदा किए तो बड़ी तादाद में तामीरी उनसर भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये एक फितरत है इंसान को, इंसान की ज्यादती कोई बर्दाश्त नहीं करता, इंसान पे इंसान ही ज्यादती करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फितरत बना रखी है कि वो हेल्प करने में, लोगों की मदद करने में एक तशफी महसूस करता है। आप लोगों की हेल्प करें, आप लोगों के साथ ताउन करें, लोगों की मदद करें, उनके काम आए, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, आपके अंदर वो खुशी महसूस होगी कि किसी और चीज़ में नहीं। आप किसी को नौकरी दिलवा दें, आप किसी जख्मी को उठा के उसके हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, आप किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दें, खुद करा दें, किसी से करवा दें, आप किसी के बीमार को उसकी आदत और उसको जो है हॉस्पिटलाइज और जो भी कुछ कर सकते हैं उसके लिए करवा दें, आपके अंदर जो तशफी मिलेगी। और अल्लाह ताला ने भी इसीलिए फरमाया कि बंदा जब बंदे की मदद में लगा रहता है तो फरिश्ता उस पर नामजद होता है कि वो उसकी मदद करता रहता है। जब बंदों की मदद से हट जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भी हटा देता है। लिहाजा खुदा भी उस बंदे की मदद करता है जो मदों की मदद में रहता है। ये सारी सूरताल, सारी पिक्चर हमारे सामने है। बट वी शुड थिंक कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। वो बात कही है तखरीब ने परचम लहराया है, तामीर पड़ी है सजदे में। बात यह कि हम खुद सजदे में पड़े हुए हैं और हमें खुद बस सुनते हैं, कह के चले जाते हैं। हम सोचे कितने लोग आए इंसानी हकूक के लिए आगे बढ़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं, काम करते हैं। हमारे सोचने का मकाम और मंजर है मेरे दोस्तों। बस यही ह्यूमन राइट्स नेटवर्क आपको दावत देती है, आइए हमारे साथ आगे बढ़े, हमारे साथ ताउन करें। हम जिस तरह भी हों, जितने भी हों, हम आपको दावत देते हैं, हमारे साथ आगे बढ़े।
اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آپ کے اندر تشفی محسوس ہوگی آپ کو یہ کام کر کے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.